कहेंगे बेटा आप उठ गई हो। जी माँ मैं उठ गई हूँ। चलो बेटा जाके टीना को भी उठा, तो बहुत लेट उठती है, सुनती नहीं है, पूरी पूरी रात बाहर दोस्तों में रहती है। इस लड़की का मैं क्या करूँ माँ, मैं क्या कर सकती हूँ, उठा देती हूँ। टीना उठो माँ, गुस्सा हो रही है। टीना हर वक्त सोती रहती है, कभी माँ के काम में हेल्प भी कर दिया करो। टीना मेरी बात सुन रही हो या नहीं? एक तो ये लड़की पूरी पूरी रात बाहर रहती है, गए कोई काम में हाथ नहीं बटाती है माँ का। जब शादी होकर जाएगी माँ की सिर्फ और सिर्फ नाक कटवाएगी। क्या हुआ प्रियंका, तुमने उठाया टीना को? जी माँ मैंने बहुत कोशिश की। तो जा उसको फिर से उठाओ, बोलना अगर इस बार नहीं उठी तो मैं डंडे से उठाऊंगी। जी माँ मैं जाके उठा देती हूँ। मैंने उसको बहुत बार कोशिश की जगाने की, पर वो सुन ही नहीं रही और उल्टा मुझ पर गुस्सा कर रही है। बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो रही है, घर के किसी काम में इंटरेस्ट नहीं दिखाती। इसको तो मैं बताऊंगी, जाओ तुम जाके उसको जगाओ, अगर ना जाके तो बोलना फिर माँ आके उठाएगी। जी माँ मैं उठा देती हूँ, पर मैं जानती हूँ वो सिर्फ मुझसे बदतमीजी करेगी, वो हो ही रही है बदतमीज़। एक तो टीना मेरी बात सुनती नहीं, मम्मा मुझ पर गुस्सा करती है, मैं क्या करूँ? टीना जाग जा, मम्मा मुझ पर गुस्सा कर रही है। टीना टीना तुम्हें यार कानों में मेरी आवाज़ आ रही है, मैं बोल बोल के थक गई हूँ। टीना जाग जाओ जाग जाओ, रात में भी तुम 2 बजे आके सोई हो। तुम्हारे हर रात मैं छुपा लेती हूँ, इस वजह तुम्हारी डांटना पीटे, लेकिन तुम इस काबिल हो ही नहीं। क्या हो गया, क्यों इतना जगाई जा रही हूँ? पता है रात में देर से आई थी, मेरी नींद पूरी नहीं होती तुम्हारी वजह से। जा जाके माँ को आँख लगाती रहती हूँ, मैं आँख लगाती हूँ, मैं तुम्हें बचाती रहती हूँ, तुम्हें एहसास भी नहीं है। तुम्हारे वजह से मेरी मम्मी पापा दोनों से सुनने को मिलती है, तुम रात भर गायब रहती हो। तो मेरी लाइफ मेरी मर्जी, जाके माँ को बोल दो मैं अभी नहीं जागूंगी, मुझे बहुत नींद आ रही है। तुम आगे खुद माँ को जवाब दो, माँ मुझ पर गुस्सा कर रही है। एक तो ये प्रियंका हर वक्त अम्मा की चमची बनी फिरती रहती है। इतनी बार समझाया भाई, अम्मा की चमची बनने से कोई फायदा नहीं, अपने आप को ग्रूम करो। आजकल लड़के पसंद करते हैं फैशनेबल लड़कियां, ना कैसी अम्मा जैसी, लेकिन किसी को समझ में आता ही नहीं। मैं क्या करूं, टीना का कभी मेरी बात नहीं सुनती, घर काम में कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाती, कैसे सीखेगी घरदारी, ससुराल जाके से मेरा नाम खराब करेगी। क्या हुआ बेटा, उठी टीना या अभी भी नहीं उठी? माँ वो नहीं उठ रही, मुझ पर गुस्सा कर रही है। उसने कहा है वो लेट आई थी, वो सोएगी अभी। इसे तो मैं सबक सिखाऊंगी, जब दूसरे घर जाएगी तो क्या करेगी, माँ का नाम ही खराब करेगी। जब सब कहेंगे माँ ने क्या सिखा के भेजा, माँ छोड़े सोने दें, वो रात में देर से आई थी, उसकी नींद पूरी नहीं हुई होगी। तुम तो बस चुप हो जाओ, हर वक्त उसकी साइड लेती रहती, तुमने ही ज्यादा बिगाड़ा हुआ है। अब बस ही कहता है नहीं माँ, वो मुझ पर बहुत गुस्सा करती है, उसको तो लगता है मैं आँख लगाती हूँ, पर मैं क्या बताऊँ उसको कि मैं आँख नहीं लगाती, रहने दो। जब प्रियंका तुम जाके पढ़ाई करो, तो कल तुम्हारी खाला आ रही है, सारा घर का मैं इससे ही करवाऊंगी, फिर इसकी अकल ठिकाने आएगी, बहुत आराम कर लिया इसने। जी माँ मैं जाके पढ़ाई करती हूँ, आप जानती मेरे एग्जाम भी स्टार्ट होने वाले हैं। हाँ बेटा जाओ तुम पढ़ाई करो। प्रियंका बेटा आप जाके पढ़ाई करो, कल आपकी खाला आ रही है, सारे घर का काम टीना अकेली करेगी, आपने बहुत हेल्प करवा दी मेरी। कल खाना भी ये पकाएगी, झाड़ू पोछा भी ये करेगी। जी माँ थैंक यू, आप जानती कल मेरा बहुत मुश्किल एग्जाम है, मैं सोच रही थी मैं क्या करूँ। प्रियंका आप टेंशन मत लो, आप जाओ मैं आपके कमरे में खाना पहुँचा दूंगी। मैं टीना की क्लास ले रही हूँ, उसको समझाऊँ क्या क्या करना है, इसको क्या क्या बनाना होगा। जी माँ मैं चलती हूँ, चलो जाओ। माँ मैं कोई काम नहीं करने वाली, मैं आपको पहले बता देती हूँ। टीना देखिए गेट को, देखो खाला आ गई। अरे बाजी कैसी हो, बहुत दिनों बाद तुमने चक्कर लगाया, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, इतने दिन तुमने कॉल भी नहीं की। बस क्या करूँ, तुम जानती हो मेरा बेटा लंदन से जब से पढ़ के आया ना, इसी में लगी हुई हूँ। खाला आप तो भाई काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं, ऐसा लगता है कोई आपका ध्यान नहीं रखता। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, और हमारी बेटी प्रियंका कहें उसको तो बुलाइए, नज़र नहीं आ रही है, बस उसके एग्जाम हो रहे हैं ना तो पढ़ाई कर रही है, एक नंबर ही काम चल रहा है। क्या हो गया टीना, ऐसे बोलते हैं क्या कोई? देखो आ गई मेरी बेटी प्रियंका। अरे कैसी है प्रियंका? खाला मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, बस ये एग्जाम हो रहे थे, मैंने इसको कहा था कि जाए कि उन्हें पढ़ाई कर ले। हमारी प्रियंका बेटी की तो बात ही अलग है, जिस घर में शादी होकर जाएगी उस घर की तो किस्मत जाग जाएगी। ऐसी लड़कियाँ हर कोई चाहता है बहू बना के अपने घर लेके जाए, इसको घर की एक एक काम एक एक घरदारी आती है। जी आप बिल्कुल ठीक कहती है, मेरी बेटी को हर काम आता है, इसको कोई भी काम बोल दे कभी किसी काम से घबराती नहीं है मेरी बेटी, जो चाहे जो बनवा ले। हाँ ये तो है, मैं पहले बता देती हूँ प्रियंका को बहू बना के मैं ही अपने घर लेके जाऊंगी। जी आंटी वहाँ भी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आजकल हर लड़की चाहती है बाहर जाके रहना, बाहर जाके सेटल होना, ये आजकल की लड़कियाँ ये नहीं जानती कि बाहर जाके काम भी करना पड़ता है। बेटा तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आजकल लड़कियाँ काम करना कहाँ जानती है, मेरी बेटी प्रियंका जो हर काम जानती है। आजकल हर लड़की ख्वाहिश होती है कि शादी होकर लंदन अमेरिका जाए, लेकिन लड़कियों को घरदारी भी तो आनी चाहिए ना। क्या वहाँ जाकर हर कोई नौकर अफोर्ड कर सकता है? कोई भी नौकर अफोर्ड नहीं कर सकता, वही खुश रहेंगे जो खुद काम करना जानती है। क्या हो गया अब तुम क्यों रो रही हो, क्या हो गया? खाला के जाने तुम्हें कौन सदमा लग गया, तुमने रोना शुरू कर दिया। खाला सिर्फ और प्रियंका की तारीफ करती है, मेरी कभी तारीफ नहीं करती। तो तुमने कोई तारीफ वाले काम किए? मेरी बेटी प्रियंका की भी बात ही ऐसी है, हर कोई देखिए खुश हो जाता है। मैं इसलिए कहती हूँ तुमसे कि प्रियंका जैसी बनो, प्रियंका देखो घर का हर काम आता है। हाँ मैं इससे इतना कहती हूँ काम सीख लो, लेकिन नहीं, इसको तो फैशन करना आता है। चुप हो जाओ तुम, फैशन करना तुम भी सीख लो, मैंने तुम्हें मना किया, मुझे घर का काम पसंद ही नहीं है।
चलो प्रियंका इसकी बातों को छोड़ो, जाके तुम एग्जाम की तैयारी करो। कल तुम्हारा एग्जाम है ना? जी अम्मा मेरा कल एग्जाम है। जहाँ तुम तैयारी करो, इसको तो मैं देख लो, मैं इससे बर्तन भी धुलवाने, मुझे इसको घर कोई काम नहीं आता, खाने बिल्कुल ट्राई करने था। क्या हो गया अम्मा, इतना अच्छा खाना तो बनाया था आपने, मेरी हेल्प की थी, देखो कैसे जबान चला रही है मुझसे। इससे तो मैं घर काम करवाऊंगी, बहुत कर लिया इसने फैशन, देखो तुम्हारा रिश्ता खाला ने मांग लिया। हाँ माँ ये तो है, मैं इसको कितना कहती हूँ घर काम सीख लो, पर ये कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाती है, इतनी बार बोला वही काम आएंगे, बस चुप हो जाओ तुम, मुझे अभी कोई काम वाम नहीं सीखने, देखना मेरे लिए भी कोई अच्छा रिश्ता आएगा, देखो कैसे जबान चला रही है। बोला आजकल उन्हीं लड़कियों के रिश्ते अच्छे आते हैं जिनको घर के हर काम आते हैं, लेकिन नहीं इसको बस फैशन करवा लो, इसको फैशन से कोई फुर्सत मिले तो घर के काम में इंटरेस्ट लेना। चलो जाओ प्रियंका, इस साल तुम्हारे एग्जाम दे लो, फिर अगले साल तुम्हारी शादी की तैयारी भी करनी है, खाली तुम्हारा हाथ मांग लिया। चले माँ मैं चलती हूँ, माँ मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ, अगर कोई काम हो तो मुझे आवाज़ दे लीजिएगा। हाँ चलो ठीक है, तुम जाके पढ़ाई करो और आके थोड़ी देर में खाना खा लेना। अब मैं टीना से खाना गर्म करवाती हूँ, हम तीनों ने खाना नहीं खाया ना अभी तक, तो बुलाऊँ तो जब आ जाना। जी माँ मैं आ जाऊँगी। माँ क्या हो गया, अब खाना भी मैं ही गर्म करूँगी, कुछ इससे भी करवा ले, बहुत हो गया आप दोनों का।